साथ ही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों को सनस्क्रीन लगाने से रैशेस हो जाते हैं, अजीब से स्पॉट से हो जाते हैं, तो उनके लिए ये सनस्क्रीन लोशन बेस्ट है या नहीं, इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका पांडे पंत उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ डॉट एंड की स्किन केयर के वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन लोशन का एक्वा जेल, जो कि आपको कूलिंग देता है। SPF 50 प्लस है, PA 4 प्लस है, और इसके अलावा इसमें ये ऑल स्किन टाइप है। नॉर्मल, ऑयली, ड्राई स्किन वाले सब इसका यूज़ कर सकते हैं। नॉन ऑयली फिनिश है, मतलब अगर आपके स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी ये रिमूव करता है। यूवी किरणों से बचाता है, आईआर से बचाता है, ब्लू लाइट जो कि प्रोटेक्शन है, जो कि हमारे जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसमें से निकलती हैं, उससे भी हमारी स्किन की रक्षा करता है। अगर पैकेजिंग की बात करें तो बहुत अच्छे पैकेज में है। पिंक जो है बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छी सीलिंग पैक है, निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इसे अब मैं ओपन करती हूँ। जो अगर बोतल का लुक कहें तो वो भी बहुत बेस्ट है, लुक वाइज भी अच्छा लगता है। और बैक साइड में इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, किस किस का इसमें प्रयोग करा गया है और किस चीज़ के लिए आपको सावधानी बरतनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, जिसकी MRP है 445। मार्केट में लगभग ये इतने का ही पड़ेगा, लेकिन मैंने ये नायका के थ्रू मंगाया है, तो मुझे इसमें सेल चल रही थी तो मुझे ये इससे काफ़ी कम प्राइस का पड़ा। विटामिन सी सनस्क्रीन लोशन की तरह ये भी SPF 50 प्लस है, जो कि कितनी भी तेज कठोर सूर्य की किरणें हमारी फेस पे पड़ें, हमारी स्किन पे पड़ें, उससे हमें बचाता है। PA 4 प्लस है, ये भी स्किन को हार्मनेस से बचाता है, हमारी एक्ने प्रॉब्लम को दूर करता है, हमारी पिगमेंटेशंस को दूर करता है, हमें हेल्दी स्किन देता है एंड ग्लोइंग स्किन देता है। साथ ही देखिए, ये ऑल स्किन टाइप है, हर स्किन के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, और यूवी किरणों से तो बचाता ही, आईआर जो होता है उससे बचाता है, एवं ब्लू लाइट जो होती है। आपको पता होगा कि जब हम डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, तो उससे ब्लू लाइट दिखती है, उससे भी ये हमारी स्किन को बचाता है। इसके अलावा इसमें सिलिका है, जो कि हमारे स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं जो काफ़ी पॉल्यूशन जो है उनसे हमारी स्किन को बचाते हैं। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से तो हमारी मतलब स्किन की केयर करते ही हैं, रक्षा करते ही हैं। साथ में पॉल्यूटेड एरिया हो गया, अगर हम पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो उससे भी हमें हमारी स्किन को पहुँचाते हैं और उसे हार्म होने से बचाते हैं। तो चलिए अब मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। आप खुद देखिए, जो इसकी कंटेंसी है वो क्या कहते हैं, बहुत लिक्विड टाइप नहीं है, थिक है, वरना जैसे विटामिन सी वाला था वो एकदम बह जा रहा था, लेकिन ये बहता नहीं है और आसानी से लग जाता है। और बहुत लाइट वेट है, इतना मतलब थिक भी नहीं है, और आराम से आप खुद देखिए, 5 सेकेंड शायद लगेंगे इसे मर्ज होने में, और आराम से मर्ज हो जाता है। कोई भी वाइट कहते हैं वाइट सा चेहरा, फेस नहीं दिख रहा है ऐसा, मतलब आप खुद देखिए। उसके बाद जब से मैंने ये लगाया, उसके बाद थोड़ी सी स्किन में ग्लो आया, मतलब इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ आपको लगाने की आवश्यकता है। अगर मतलब पूरा दिन आप खाली सनस्क्रीन लोशन लगा के भी बिता सकते हैं। अगर आप घर पे हो तो ज़रूरी नहीं आप कोई बीबी क्रीम या कोई और क्रीम लगाएं, आप खाली सनस्क्रीन लोशन मतलब लगा के भी घर पे आराम से रह सकते हो। इससे जो स्किन है वो अच्छी सी लगती है, ग्लोइंग सी लगी है। अभी मैंने सिर्फ यही अभी आपको दिखाया था, मैंने यही क्रीम मतलब सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर रखा है, और उसके बाद भी मेरी स्किन में निखार सा दिख रहा है, अपने आप ही ये ग्लो देता है। इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा है। तो डेफिनेटली आप चाहें तो जो ये वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे डॉट एंड की के प्रोडक्ट वैसे ही बहुत पसंद है।
मैंने जब स्टार्ट करा था थोड़ा सा डाउट था, पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे तो मुझे लग रहा था नहीं अच्छे ही होंगे, ऐसे कोई तारीफ़ नहीं कर सकता। तो जब मैंने इसको अप्लाई करा, यूज़ करा, तो मुझे बहुत पसंद आई। मर्ज हो जाती है आराम से, कोई वाइटनेस नहीं, नो फ्रेगरेंस, और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। आराम से हम बिना कुछ लगाए इसके रह सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल आप इसको लीजिए, आपको ये सूट करेगी, क्योंकि ऑयली स्किन टाइप है। ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि ऑयली स्किन के लिए अलग ले रहे हैं, ड्राई के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग है, ऑल स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा बताइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नमस्कार एंड बाय। और जो चेहरे में डार्क स्पॉट है ना, उन्हें तो ये दूर करती है।